हमारा ये क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू असेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। हम इसी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये ऑर्डर मैंने आगे पीछे कर लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन इन द बुक्स ऑफ डैश डैश, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे सारे को, इन पांचों में करेंगे। सबसे पहले पांच कॉलम बना लेंगे, एक हो गया असेट्स, दूसरा इसके अंदर पहले लिख देंगे, फिर लायबिलिटी ऐसे करके चलेगा। फर्स्ट होगा असेट में पहला आइटम था प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है और हमने इसको पैसे देकर खरीदा है। और नेक्स्ट वन इज हमारा अक्रूड इनकम, जो इनकम हमने कमा लिया, सपोज हमने बैंक में पैसे एफडी रखा हुआ है और उसके ऊपर इंटरेस्ट अक्रू हो गया और हमारे पास टाइम नहीं है हमें बैंक जाके पैसे लेने के लिए, दैट इज कॉल्ड अक्रूड इनकम। आप कहीं नौकरी करते हो और एक महीने हो चुका है, आपकी सैलरी ड्यू हो गया है, आप एक महीने 8 दिन हो गया है, एक महीने के बाद आपको सैलरी कलेक्ट करना था, सपोज 1 लाख, तो आप जा नहीं पा रहे हो और कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो बट वो इनकम आपको एक्रू हो चुका है, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। और नेक्स्ट वन है आपके गुडविल, ये एक्रूड इनकम भी हमारा एसेट है, एक्रूड इनकम। और गुडविल मैंने आपको बताया है, गुडविल हमने खरीदा है या खुद जनरेट किया है, दोनों के लिए हमने पैसे और मेहनत दोनों लगाया है, तो उसको बोलते हैं एसेट, गुडविल इज ऑल्सो एन एसेट, और जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है नहीं बट इट इज एन एसेट। नेक्स्ट वन होता है फिक्सचर्स एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। फर्नीचर होता है जैसे टेबल हो गया, चेयर हो गया, जो जमीन पे रखते हैं, तो आप ये बोलोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ फिक्सचर। फिक्सचर होता है जो दीवार पे लगाते हैं, जैसे हमारा वॉल क्लॉक हो गया और हमारा हैंगिंग अपार्टस हो गया, कपड़े टंगाने के लिए कुछ आपने लगाया दीवार पे, दैट इज कॉल्ड फिक्सचर्स। जो नेक्स्ट होता है क्लासिफिकेशन, वो होता है हमारा लायबिलिटीज, अभी उधारी। लायबिलिटीज मतलब हमारा उधारी, हमारा बिजनेस का उधारी, लायबिलिटीज। तो उस पहला आइटम, सारे आइटम ढूंढो, बैंक लोन, बैंक लोन हमारा उधारी है। लोन एक दिन के लिए हो सकता है, एक साल के लिए हो सकता है, ओवरड्राफ्ट इज डिफरेंट, बैंक लोन बैंक से उधार लिया है, वो ओवरड्राफ्ट भी लायबिलिटी है। बैंक लोन का पीरियड होता है शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन, तो बैंक लोन हमारा उधारी है। नेक्स्ट वन होता है बिल्स पेबल, हमने जिस इंसान से गुड्स उधार पे खरीदा है, अगर उन्होंने विश्वास पे हमें गुड्स दे रखा है, बेच रखा है हमें, तो वो हमारे क्रेडिटर होते हैं। अगर वो हमसे कुछ लिखवा के लिए हैं, बिल बनाकर लिए हैं, तो दैट इज कॉल्ड बिल ऑफ एक्सचेंज, हमने उनको दिया हुआ है बिल और उनसे गुड्स लिया हुआ है, उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। ड्यू टाइम आने पर ये बिल्स पेबल को हम पैसे चुका कर क्या उसको चुकता करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो उसको बोलते हैं बिल्स पेबल। नेक्स्ट वन होता है एडवांस इनकम, हमने किसी से इनकम को एडवांस में ले लिए। सपोज मैं एक सेल्स एजेंट हूं और आपके बुक का बिजनेस होता है, तो पैसे एडवांस में ले लिया मैंने कि आपके बुक मैंने बिकवा दूंगा मार्केट में, आई टेक ऑर्डर्स एंड हेल्प इन सेलिंग योर बुक्स, मैं आपके लिए काम करूंगा और इसके लिए मैं कमीशन लेता हूँ 10%, तो 1 लाख का मिनिमम सेल कराऊंगा कमिंग मंथ में, तो मैंने आपसे 10% ले लिया। वो जो 10% लिया कमीशन एडवांस में काम न करके, वो मेरा एडवांस इनकम हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर मैं नेक्स्ट मंथ काम कराता नहीं हूँ या आप बिजनेस बंद कर देते हो, वो पैसे मेरे को वापस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एडवांस इनकम एंड दैट इज ए लाइबिलिटी। मैंने कहीं जॉब करता हूँ और मैंने आने वाले महीने का सैलरी, सपोज मेरा सैलरी 30,000 है, मैंने 10,000 एडवांस में ले लिया, तो दैट इज माई एडवांस इनकम। और नेक्स्ट मंथ मैंने जॉब छोड़ आने से पहले मैंने वहीं से जॉब छोड़ दिया, मेरा नौकरी छोड़ दिया, तो मैंने जो पैसे लिया था उनको वापस करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एडवांस इनकम, दैट इज ए लाइबिलिटी। अगर मैं जॉब कंटिन्यू करता हूँ तो नेक्स्ट मंथ जो 30,000 रुपीज मेरा सैलरी ड्यू होगा, 10,000 मैंने एडवांस में लिया था, वो उससे एडजस्ट हो जाएगा और मेरे को 20,000 मिलेगा, उसको बोलते हैं एडवांस इनकम। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा होता है लाइबिलिटीज के बाद
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब हमने खर्चा दिया नहीं, जैसे हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया, 30th को ड्यू डेट है, 30th ऑफ नवंबर, और हमने 30th नवंबर तक उसको पे नहीं करा, जैसे December 1 आ गया तो वो हमारा खर्चा आउटस्टैंडिंग हो गया। अगर हम 30th तक पे कर देते हैं, 30th नवंबर तक, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। अगर हम नहीं पे करें, हम अगर November 1 के बाद, December 1 के बाद पे करेंगे और December 1 को पे करेंगे, विल बी पेइंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा उधारी हो गया, लाइबिलिटी हो गया, हमें वो पैसे देना है। तो लाइबिलिटी पहले हमारा असेट आया, देन लाइबिलिटी आया, फिर हमें ढूंढना है और हमें करना है एक्सपेंसेस, खर्चा। तो इस ये सारे आइटम के अंदर इस क्वेश्चन में खर्चा क्या क्या है, इसमें खर्चा एक है रेंट, हम हर खाली रेंट लिखा है। तो आप रेंट, आप अगर घर किराए पे लगा रखे हैं तो आपको रेंट मिलेगा। अगर आप घर को आपने किसी से दुकान किराए पे ले रखे हैं तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा। खाली रेंट लिखा है मतलब हमने रेंट पे करा या पे करेंगे, ये हमारा खर्चा है। जैसे होता है टू, टू मतलब +2 या -2, ना भाई +2। द रूल ऑफ मैथमेटिक्स टेल्स खाली 2 लिखा है तो +2, अगर -2 लिखा है तो -2, मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखा है तो मल्टीप्लाइड बाई 2, और खाली 2 लिखा है तो +2। ऐसे खाली रेंट मतलब रेंट एक खर्चा है। और दूसरा होता है कैरियज इनवर्ड्स, हमने जो सामान मंगवाते हैं हमारा दुकान के लिए, किसी मंडी से, किसी होलसेलर से, हमारे शॉप के लिए, तो उसके ऊपर हम जो भाड़ा देते हैं, दैट इज कैरियज इनवर्ड। और ये जो कैरियज वर्ड होता है, कैरियज एंड कार्टेज, अगर हम बैलगाड़ी में या कोई एनिमल ड्रिविन व्हीकल में मंगाते हैं सामान दुकान के लिए, हम उसको बोलते हैं कार्टेज और कार्टेज इनवर्ड। अगर हम इसको कोई मैकेनिकल मशीन ड्रिविन व्हीकल में मंगाते हैं, जैसे ट्रक में और जैसे टेम्पो में, जैसे ट्रेन में, वी पे कैरियज इनवर्ड। वो कैरियज होता है आपके भाड़ा, खर्चा है वो। नेक्स्ट वन इज कैरियज आउटवर्ड्स, ऐसे ही हमने कोई मैकेनिकल या कोई मशीन ड्रिविन व्हीकल में, मोटरसाइकिल में सामान लोगों के घर तक पहुंचाते हैं, और लिखा हुआ है फ्री होम डिलीवरी। हमारे उनके लिए तो फ्री हो गया सामान, उनके घर में हम फ्री में देते हैं, बट वो जो हमारा जाता है बंदा, उसको हम सैलरी देते हैं। मोटरसाइकिल का डेप्रिसिएशन होता है और उसमें पेट्रोल डालते हैं, वो जो खर्चा होता है उसको बोलते हैं कैरियज आउटवर्ड। हमारा दुकान से जो सामान बाहर हम भेजते हैं और उसके लिए भाड़ा हम देते हैं, दैट इज कॉल्ड कैरियज आउटवर्ड्स। और कैरियज जो होता है वो मशीन ड्रिविन व्हीकल पे जब सामान जाता है बाहर, उसको बोलते हैं कैरियज। नेक्स्ट खर्चा हमारा होता है परचेजेस, हमने जब खरीदा गुड्स, खरीदते हैं बेचने के लिए, वो होता है हमारा ट्रेडिंग गुड्स। तो वो ट्रेडिंग गुड्स जब हम खरीदते हैं उसको बोलते हैं परचेजेस, वो एक नॉमिनल अकाउंट होता है और खर्चा भी होता है, एक्सपेंसेस होता है। और नेक्स्ट होता है वेजेस, हम लोग फिजिकल लेबर के लिए जो पैसे देते हैं या उसको बोलते हैं हम वेजेस, वो भी हमारा खर्चा है। देन इनकम, रेवेन्यू मतलब इनकम, हमें जो पैसे आता है रेवेन्यू। एक होता है सेल्स को हम रेवेन्यू बोलते हैं, कि सेल करते ही हमारा प्रॉफिट होने का चांसेस होता है, हो सकता है लॉस हो, तो जो इनकम या प्रॉफिट होता है हम इसको बोलते हैं सेल्स रेवेन्यू। नेक्स्ट होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें जो इनकम होता है ना, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव्ड। हम किसी से खरीदते हैं सामान 1,000 रुपये का, हम उसको 900 देते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमें 100 रुपीज छोड़ दीजिए। वो जो छोड़ देते हैं, छूट देते हैं, हमें छूट दीजिए, तो छूट होता है डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारा कमाई हो गया, हमने किसी को पैसे दिए और 100 रुपये उन्होंने काट लिया, 100 रुपये उन्होंने काट कर हमसे पैसे लिया। सपोज मेरे को एक्स को देना था, मुझे एक्स को देना था 1,000 रुपीज, और आई पेड हिम 900, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो 100 रुपये मेरा बच गया, दैट इज डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर डिस्काउंट रिसीव्ड वो होता है और वो हमारा इनकम होता है या रेवेन्यू होता है। नेक्स्ट वन इज कैपिटल, कैपिटल में द लास्ट आइटम कैपिटल होता है, ड्रॉइंग्स होता है, तो कैपिटल में कैपिटल होता है, एंड दिस इज द फाइनल आंसर। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह पढ़ते हैं, थ्योरी अच्छी तरह पढ़ते हैं, तो आपके बेस स्ट्रांग होगा, और आपको कोई भी चीज अगर समझ में नहीं आया, बुक के अंदर बार बार पढ़िए, आपको
तीन चार बुक फॉलो करने का जरूरत नहीं है। दिस टीएस ग्रोयल बुक इज मोर देन सफिशियंट। एक ही बुक अगर आप फॉलो करोगे दैट विल गेट यू 100 मार्क्स।